आपके बीच में फिर आया, मैं साथी आपके बीच में आया हूं आपको धैर्य और शांति की अपील करते हुए। अपनी जोश और जज्बा को कायम रखना, आप कभी भी हतोत्साहित न होना। एक आपके मन में डर पैदा किया गया था, 31 मार्च 2019 को निकाल दिया जाएगा। उन सिरफिरे नेताओं के मुंह पर तमाचा मार के दिखाया, 31 मार्च 2019 को निकाला नहीं जाएगा, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ साथी, अब एक पर विश्वास क्यों नहीं करते, एक पर विश्वास कर लो, किसी एक पर विश्वास कर लो। आपने देखा होगा सभी संगठनों, जितना संगठन बना है, जितने संगठन के नेता हैं, कभी बसपा के आरोप लगाए, कभी सपा के आरोप लगाए, कभी भाजपा के आरोप मेरे ऊपर लगाए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बसपा सरकार में किस जात का था, सपा सरकार में किस जात का था, और इस वर्तमान सरकार में किस जात का हूं, ये आपसे आपके बीच में छोड़ रहा हूं प्रश्न चिन्ह। यदि सभी सरकार में मेरी ही चलती है, ये लोग प्रदेश अध्यक्ष क्यों बन बैठे हैं, और कैसे प्रदेश अध्यक्ष बन के अपनी काम करते हैं? जब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष किस बात की? इसी नाते आपके बीच में फिर आया हूँ। ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ऑडियो आला बाबा बनाया गया है, मैं ऑडियो आला बाबा हूँ। मुझे माँ सरस्वती ने वाणी दिया है, उस वाणी का प्रयोग मैं करता हूँ, चाहे ऑडियो से हो चाहे अपने कर्मों के बल पे हो। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ साथी, मैंने तय किया है, जब 13 साल 14 साल संघर्ष करने के बाद शिक्षक की कुर्सी पे बैठाया था, मैं फिर तय किया हूँ कि लोकसभा 14 का चुनाव के बाद ही अच्छा परिणाम आपको मिला था, तो फिर तय कर लिया हूँ कि 2019 के चुनाव के बाद ही अच्छा परिणाम आपके बीच में दूंगा। अब फिर शिक्षक की कुर्सी पे बैठा के दम लूंगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समा